यादें स्वतंत्रता संग्राम की। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है यादें स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम राष्ट्रवाद का उदय। कहां गया भारत मूर्ख जिसे अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। अरे उपजा ईश्वर के कोप से आया भारत बीच। छार खार सब हिंद करूं मैं तो तुम नाही नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। मरी बुलाऊं देश उजाड़ू महंगा करके अन्न। सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। लिया भी तो अंग्रेजों से अगुना। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं। एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की एक झलक थी। इस तरह के नाटक 19वीं सदी के आखिरी 30 सालों में काफी लोकप्रिय हुए। कारण ये था कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत की जनता एक क्रूर शिकंजे में जकड़ी हुई थी और ऐसे नाटकों को लिखने और खेलने से उन्हें अपनी बात कहने का संतोष मिलता था। यही हालात भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बने। आधुनिक भारत में राष्ट्रीयता की शुरुआत हुई विदेशी प्रभुत्व के विरोध में। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों ने भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं जिनके कारण भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने लाभ के लिए भारत को गुलाम बनाया था। इस राज को भारतीय समझने लगे थे और फिर भारत के लोगों के हित और ब्रिटिश शासकों के स्वार्थ पूर्ति के बीच सीधे टकराव का माहौल बन गया। भैया मंगलू। हाँ काका। अब तो ये खेती बाड़ी करे कोनो फायदा नहीं रहेगा। हाँ रामधन काका, हमार पूरी फसल तो अंग्रेजन के ठेकेदार ये जिमीदार हथियार लेते हैं। हमका का बचत है काका, और कहा था कि भूमि कर अलग से देन के पड़े। सुना है। अब तुम्हें कहो काका, हम इन सब के खातिर करत हैं का खेती बाड़ी। अरे भैया अब तो ना हमार जमीन हमार रह गए और ना हमार घर। हाँ। यहाँ तक कि हमारी बैल भी अंग्रेजन के चापलूस जमींदारों ने हड़प लिए हैं। भैया ठीक कहा था काका। अब तो ये समझो कि अपने ही घर में हम नौकरन की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। नौकर का काका, नौकर से भी बदतर जिंदगी है हमार। सुना थे कि गांवन में हमारे किसान भाई लोग जमींदार से टक्कर लेने के तैयार हैं। हाँ। और यह नहीं, अपन जान की बाजी तक लगावे के तैयार हैं। ठीक है सुना है काका, हम सबका मिलके लड़ना चाहिए। हाँ
किसान अब अंग्रेजों और उनकी छत्रछाया में पल रहे जमींदारों, साहूकारों और सूदखोरों के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। इसीलिए 1859 से 1875 के बीच नील जयंतियां, कुकी और पवना के किसान विद्रोहों के साथ साथ फूलागढ़ी में दंगे और महाराष्ट्र के किसानों के मोर्चे जैसी कई वारदातें हुईं। इन्हीं दिनों भारतीय समाज का शिक्षित वर्ग अपने बढ़ते हुए ज्ञान से देश के आर्थिक पिछड़ेपन और राजनैतिक स्थिति को समझने में समर्थ होता जा रहा था। अच्छा, तो आप अब तक इस गलतफहमी में हैं कि अंग्रेज ये शिक्षा आपको आपके भले के लिए दे रहे हैं? नहीं दोस्त, क्या पढ़कर हम लोगों की नॉलेज इंप्रूव नहीं हो रही है? एंड आफ्टर ऑल, इस पढ़ाई के बाद जो नौकरियां हमें मिलेंगी, क्या उनसे हमारा भला नहीं होगा? वाह वाह भाई वाह, तुमने अपना नॉलेज बड़ा इंप्रूव कर लिया है। जानते हो पढ़ाई किस लिए है? इसलिए है कि अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए अफसर चाहिए, व्यापारियों को क्लर्क चाहिए। समझदार भारतीय साहब बनेगा और दूसरे कम से कम बाबू बनकर मदद तो करेंगे ही। ये मत समझो कि अंग्रेज उदार हैं और ये तुम्हें देशभक्ति के पाठ सिखा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम अखबार पढ़ते हो? हाँ क्यों नहीं। कुछ समझते हो? हाँ क्यों नहीं। नहीं, कुछ नहीं समझते तुम? जानते हो अंग्रेज अपने सिर फिरे कानूनों से हम सभी पर कहर ढा रहे हैं। हाँ जानता हूं, इन्होंने हमारे व्यापार को चौपट करके रख दिया है। हर उस चीज पर रोक लगती है जिससे हमारा जरा भी फायदा हो। हर टेरिटरी का कीमती सामान ब्रिटेन भेजा जा रहा है। हम किसी गुलाम से कम नहीं, अंग्रेज हमारे दुश्मन है। हाँ जानता हूं। कैसे जानते हो? क्यों, अखबारों के जरिए ना? और अखबार तुम पढ़ सके सिर्फ एजुकेशन की वजह से। हाँ ये बात तो ठीक है, पर अंग्रेज अपने अखबार निकालते हैं ये सोचकर कि वे हमें अपने मुताबिक बना सकें। हम शरीर से तो इंडियन हों पर विचारों से अंग्रेज हों। लेकिन थैंक गॉड, हमारे लोग जो अपने अखबार चला रहे हैं उनसे तो अपने देश को जानने में बहुत मदद मिली है। हमारी भाषा जरूर भ्रष्ट हो रही है पर विचारों में नया पना रहा है। मानता हूं दोस्त तुम्हारी बात। अब हमें कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। अंग्रेजी शिक्षा दोनों तरह के लोग पैदा कर रही थी। साहब बाबू बनने वाले ज्यादा थे तो देशभक्त भी कम न थे। साथ ही सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी प्रबल हो रहे थे जो एक नए राष्ट्रवाद के उदय में मदद कर रहे थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी इनमें प्रमुख थे। मध्य वर्ग अभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो तो सहूलियत चाहता था, स्वयं को अंग्रेजों के बराबर देखना चाहता था। अरे भैया, इन अंग्रेजों ने तो हम व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, हमें तो कहीं का ना छोड़ा। अब क्या खरीदें और क्या बेचें? सारा कच्चा माल बाहर भेजा जा रहा है और हर चीज पे जानलेवा टैक्स देना होता है। अरे ये अंग्रेज, जैसे जैसे ये अंग्रेज व्यापारी है ना, ऐसे तो हम भी हैं। पर ऐसा सौतेला व्यवहार, हमारे सारे कारीगर भूखों मर रहे हैं, न खाने को रोटी है और न पहनने को कपड़ा। यही तो होगा, आप ये हमारे हाथ से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदते हैं और अपने हाथ से तैयार माल को महंगे दामों पर बेचते हैं। जो थोड़ी बहुत पूंजी बची थी वो भी खत्म हो चुकी है भैया। अरे वो तो छोड़ो, अब तो रेलगाड़ियां तक चला रहे हैं ये अंग्रेज लोग,
जिससे माल को बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके और मिलिट्री को भी आने जाने की सहूलियत मिल सके। और इन सब का खर्चा हम लोगों के सर पर मढ़ा जा रहा है। जब हम लोगों ने कहा कि अरे हमारे यहाँ नहरों की जरूरत है जिससे सिंचाई भी होगी और माल परिवहन के काम में भी आएगी, तो इन्होंने ये बात नहीं मानी क्योंकि इसमें हमारा फायदा था ना। अरे देखो तो इनकी करतूत। लेकिन इस विचार के विपरीत रेलवे के प्रसार ने भारत को राष्ट्र का रूप देने में सहायता की। दूर सुदूर बसे लोगों को नजदीक लाकर रेल यातायात ने लोगों को अपने विचारों के आदान प्रदान में भी सहायता की, जिससे राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत का एक कोना दूसरे कोने से जुड़ गया। शिक्षा का प्रसार, प्रांतीय अखबारों का प्रकाशन, रेल यातायात का प्रसार ऐसे कारण थे जिन्होंने राष्ट्र को एक रूप देने में सहायता की और राष्ट्रीय भावना जागृत की। इसीलिए जो कुछ एक स्थान पर होता उसका असर दूसरे स्थानों पर भी पड़ता था। अब ये स्पष्ट हो गया था कि चाहे कोई किसी प्रदेश का क्यों न हो, वे सभी एक ही शत्रु के हाथों शोषित किए जा रहे थे और वो शत्रु था ब्रिटिश शासन। और यही था भारत में राजनैतिक और सामाजिक जागरण, जिसके कारण इस भावना को आगे बढ़ाने वाले कई संगठनों का निर्माण हुआ। इनमें कुछ प्रमुख संगठन थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। इन संगठनों के निर्माण से ये स्पष्ट हो रहा था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शक्तिशाली होता जा रहा है। अब पढ़े लिखे लोगों के अलावा भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। साथ ही साथ सारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को एक सूत्र में बांधने की भावना प्रबल हो रही थी। इसी भावना का परिणाम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जिसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में सर ए ओ ह्यूम का योगदान महत्वपूर्ण समझा जाता है। सन 1872 में सर ए ओ ह्यूम ने लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक को एक पत्र में लिखा, आप शायद हमारे शासन की अस्थिरता को मुश्किल से पहचान पाए, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे साम्राज्य का भविष्य लड़खड़ा रहा है और किसी भी समय कोई छोटा सा बादल उभर सकता है जो इस पूरी धरती पर फैलकर अराजकता और तबाही की बरसात कर सकता है। यही सर ह्यूम थे जिन्होंने एक अखिल भारतीय संगठन का स्वप्न देखा। दरअसल अंग्रेज भारत की आजादी के आंदोलन को जज्ब करके कमजोर बनाने के लिए कांग्रेस को प्रयोग में लाना चाहते थे। 25 दिसंबर 1885 को पुणे में ऐसे ही संगठन के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। किन्हीं कारणों से यह सम्मेलन वहां नहीं हो पाया और बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये सम्मेलन हुआ। ये 28 दिसंबर 1885 की बात है। मैं इस कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए श्री डब्ल्यू सी बैनर्जी का नाम सुझाता हूं। मैं सुब्रमण्यम अय्यर
इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं ये प्रस्ताव पढ़ रहा हूं और आप लोग इस पर बहस करें और इस पर वोट करें, अपना मत दें। यहां उपस्थित भारत के कोने कोने से आए 75 सदस्य इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। हमें भेजे गए निमंत्रण में कुछ बातें कही गई थी। मेरा ये प्रस्ताव उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। हमारे देश के हितों के लिए ये कांग्रेस काम करेगी और ये कांग्रेस राष्ट्रीयता की भावना को भी आगे बढ़ाएगी। ये प्रस्ताव सहमति से पास हुआ। अब मैं आज का अगला प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं। ये प्रस्ताव कांग्रेस की अगली बैठक के संदर्भ में है और ये बैठक 28 दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित करने का सुझाव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसे पास माना जाए, इसे पास माना जाए। हाँ। और इस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते रहे। 1885 से 1905 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो मांगे उठाई उनमें मुख्य थी संवैधानिक, आर्थिक और प्रशासकीय सुधार। 1905 से कांग्रेस का स्वरूप बदलना शुरू हुआ। धीरे धीरे ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस को केवल सेफ्टी वॉल्व नहीं समझकर उसके उभरते हुए राष्ट्रीय स्वरूप को पहचानना शुरू कर दिया। इसके साथ ही फिरंगी सरकार की कांग्रेस से कटुता भी बढ़ती गई। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे सघन नेताओं की अध्यक्षता में आगे बढ़ती रही और राष्ट्रीय भावना को निरंतर जागृत रखने और स्वराज्य के संकल्प को साकार करने में जुटी रही।